अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज से हम प्रॉब्लम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर वन में जैसा कि आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे मैट्रिक क्लास की फिज़िक्स में, लेकिन चैप्टर नंबर टू में प्रॉब्लम्स हैं। हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और अनसॉल्व भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर टू में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। जैसा कि लिखा गया है, सबसे पहले 219, 219 में तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2019 में चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो लिहाजा टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी तरह 0.2 अगर कोई डेसिमल नंबर हो और लेस देन वन हो तो इनिशियल ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो लिहाजा 0.2 में वन सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह अगर कोई डेसिमल नंबर हो इक्वल टू या ग्रेटर देन वन हो तो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट्स होते हैं। तो 1.2345 में पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर कोई डेसिमल नंबर हो इक्वल टू वन हो या ग्रेटर देन वन हो तो फाइनल ज़ीरोज सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लिहाजा 1.00 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसी तरह अगर कोई डेसिमल नंबर ना हो तो फाइनल ज़ीरोज जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद आते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते, लिहाजा 800 में वन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2×10^2, जैसा कि हमने ये रूल भी पढ़ा था कि पावर ऑफ 10 को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, लिहाजा इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 2×0×10^4 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये जो डिजिट्स है मल्टीप्लाई से पहले ये ग्रेटर देन वन है और फाइनल ज़ीरोज काउंट होंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। प्रॉब्लम नंबर टू, इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ 0.20 सेंटीमीटर एंड पाई इज़ इक्वल टू 3.14, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि अगर रेडियस ऑफ स्फीयर 0.20 सेंटीमीटर हो और पाई की वैल्यू 3.14 हो तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होगा। स्फीयर हम कहते हैं जस्ट लाइक बॉल, और साथ में जो भी हमारा आंसर आए आखिरी में यानी सरफेस एरिया का, उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो हमने रेडियस ऑफ स्फीयर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू है 0.20 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और सरफेस एरिया को हमने रिप्रेजेंट किया है एस डॉट ए से। यहाँ पर हमारी आर की जो वैल्यू है इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और पाई की वैल्यू में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसका मतलब सरफेस एरिया का जो भी आंसर आए उसको कम से कम हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो आइए देखते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला है 4πr². हमारे पास आर की वैल्यू भी है पाई की वैल्यू भी है, लिहाजा हम पुट करेंगे सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 4×3.14×r² यानी 0.20 का होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5024। जैसा कि हमारे पास डेटा के अंदर या प्रॉब्लम में कम से कम जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट फिगर्स की वो दो हैं, लिहाजा हमारा आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो हम 0.5024 में से 24 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब फाइनल हमारा जो आंसर है वो है 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। प्रॉब्लम नंबर थ्री, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज डायमेंशंस आर गिवन एज लेंथ ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू 2.00 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। गाइस, इस प्रॉब्लम में हमें लेंथ दी हुई है। जैसा कि अगर हम डेटा बनाएं तो लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू है 2.00 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें गिवन है, ब्रेथ को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू है
1.5 सेंटीमीटर। हाइट भी हमें गिवन है जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है और इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम को हमने वी से रिप्रेजेंट किया है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वॉल्यूम का हमें पता है, फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसा कि लेंथ की वैल्यू है 2.00 मल्टीप्लाई, ब्रेथ की वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई और हाइट की वैल्यू है 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। प्रॉब्लम नंबर 4, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31 kg। कन्वर्ट इट इन ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। गाइज, इस प्रॉब्लम में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो कि 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31 kg है। हमें इस मास को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मिलीग्राम में एंड माइक्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा में हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू हमने एम के सामने लिख दी जो कि है 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31 kg। मास इन ग्राम को हमने एम जी एम से रिप्रेजेंट किया है, मास इन मिलीग्राम को हमने एम एम जी से रिप्रेजेंट किया है और मास इन माइक्रोग्राम को हमने एम और माइक्रो का सिंबल यानी माइक्रोग्राम से रिप्रेजेंट किया है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर मास इन ग्राम। जैसा कि हमने मास इन ग्राम को एम जी एम से रिप्रेजेंट किया है, तो बजाय इसके कि हम वर्डिंग लिखें मास इन ग्राम, हम ये सिंबल यूज़ करेंगे एम जी एम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि हमें सबको ये पता है कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, और अगर हम थाउजेंड्स को इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट लिखें तो ये बनता है 10^3, यानी 10^3 ग्राम। 1 kg इज़ इक्वल टू 10^3 ग्राम। अब हम किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं। तो गाइस याद रखिएगा, जब भी हम बड़े यूनिट से केजी से अगर हम ग्राम में जाएंगे, छोटे यूनिट में जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एम जी एम इज़ इक्वल टू, हमें मास गिविन था 9.11 मल्टीप्लाई 10^-31। हम इस मास को मल्टीप्लाई कराएंगे 10^3। जैसा कि हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पर 10 बेस है और ये सेम है, लिहाजा -31 + 3 ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास इन ग्राम में 9.11 मल्टीप्लाई 10^-28 ग्राम। इसी तरह मास इन मिलीग्राम हम मालूम करेंगे। जैसा कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम यानी 10^3 मिलीग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मास इन मिलीग्राम इज इक्वल टू, हमें मास ग्राम में हमारे पास लास्ट टाइम वैल्यू आई थी 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10^-28। तो हम इस मास इन ग्राम को मल्टीप्लाई करा देंगे 10^3 से। तो हमारे पास जैसा कि यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -28 + 3। तो हमारे पास आंसर आएगा फाइनली 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10^-25 मिलीग्राम। अब हम मालूम करेंगे मास इन माइक्रोग्राम। जैसा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10^6 माइक्रोग्राम होता है, लास्ट टाइम हमारे पास मास इन ग्राम आया था 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10^-28 ग्राम। तो हम इस मास को मल्टीप्लाई कराएंगे 10^6 से। जैसा कि बेस सेम है तो लिहाजा वैल्यूज ऐड होंगी, -28 + 6, और फाइनली हमारे पास मास इन माइक्रोग्राम आ जाएगा 9.11 मल्टीप्लाई 10^-22 माइक्रोग्राम। प्रॉब्लम नंबर 5, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 मल्टीप्लाई 10^-10 m। कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। हमारे पास रेडियस बताया है हाइड्रोजन एटम का और हमें इस रेडियस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में एंड नैनोमीटर में। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमने रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू है 0.53 मल्टीप्लाई 10^-10 मीटर। इसी तरह रेडियस इन सेंटीमीटर को हम r cm से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस इन मिलीमीटर को हम आर एम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस इन नैनोमीटर को हम आर एन एम से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फॉर रेडियस इन सेंटीमीटर, जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम 10^2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जैसा कि हमारे पास रेडियस गिवन है 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-10,
इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10^2 से, यहाँ भी बेस सेम है जो कि 10 है, लिहाजा पावर्स ऐड होंगी -10 + 2, और फाइनली हमारे पास रेडियस इन सेंटीमीटर आ जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-8 सेंटीमीटर। इसी तरह फॉर रेडियस इन मिलीमीटर, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे RMM यानी रेडियस इन मिलीमीटर इज़ इक्वल टू, रेडियस की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें डेटा में गिवन थी 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-10, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10^3 से, जैसा कि बेस सेम है यहाँ भी पावर्स ऐड होंगी -10 + 3। फाइनली वी विल गेट रेडियस इन मिलीमीटर विच इज़ 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-7 मिलीमीटर। इसके बाद हम रेडियस इन नैनोमीटर मालूम करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RNM, फिर हम वैल्यू लिखेंगे रेडियस की जो कि गिविन थी 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-10, और फिर इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10^9 से, यहाँ भी बेस सेम है तो लिहाजा पावर्स ऐड होंगी -10 + 9। फाइनली वी विल गेट रेडियस इन नैनोमीटर विच इज़ 0.53 मल्टीप्लाई बाय 10^-1 नैनोमीटर। प्रॉब्लम नंबर 6, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 सेकेंड, कन्वर्ट इट इंटू मिनट्स आवर्स एंड माइक्रो सेकेंड। इस प्रॉब्लम में हमें टाइम दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन 1 रोटेशंस कंप्लीट करने के लिए अबाउट इट्स न्यूक्लियस जो टाइम लेता है वो है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 सेकेंड्स। हमें इस टाइम को मिनट में, आवर्स में और माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी से, और उसकी वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 सेकेंड्स। टाइम इन मिनट्स को हमने TMIN से रिप्रेजेंट कराया है, और टाइम इन आवर को हमने रिप्रेजेंट करवाया है THR से, और टाइम इन माइक्रो सेकेंड को हमने रिप्रेजेंट कराया है T माइक्रो सेकेंड से। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम टाइम इन मिनट्स मालूम करेंगे, जैसा कि सबको पता होता है कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब गाइस, क्योंकि हमें सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम्स में हम बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करते थे, किलोग्राम से हम ग्राम में आ रहे थे या मिलीग्राम में आ रहे थे, तो हम मल्टीप्लाई करवाते थे। लेकिन अगर हम छोटी से बड़ी में जाएं, यानी सेकंड से, मैं आपसे कहूं सेकंड से मिनट या आवर में जाएं, तो हम डिवाइड करवाएंगे। तो लिहाजा टी मिनट इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 डिवाइड बाय 60। कैलकुलेटर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम इन मिनट्स आएगा 8.333 मल्टीप्लाई 10^-21 मिनट्स। इसी तरह टाइम इन आवर अगर हम मालूम करें तो 1 आवर, जैसा कि हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, लिहाजा 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 घंटे में आ जाएंगे 3600 सेकेंड, और क्योंकि हम सेकेंड से आवर में जा रहे हैं तो हम 3600 को डिवाइड करवाएंगे गिविन टाइम से। तो THR इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 डिवाइड बाय 3600। फाइनली वी विल गेट टाइम इन आवर्स विच इज़ 1.388 मल्टीप्लाई 10^-22 आवर्स। अब हम टाइम इन माइक्रो सेकेंड मालूम करेंगे, जैसा कि अब हम सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में जा रहे हैं, तो सेकेंड बड़ा है, माइक्रो सेकेंड छोटा है, तो लिहाजा हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 सेकेंड में 10^6 माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो टी माइक्रो सेकेंड इज़ इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-18 मल्टीप्लाई बाय 10^6। बेस सेम है जो कि 10 है, लिहाजा पावर्स ऐड होंगी -18 + 6। फाइनली वी विल गेट द टाइम इन माइक्रो सेकेंड विच इज़ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-12 माइक्रो सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 7, इन एन एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ अ कैलोरीमीटर हैज़ बीन फाउंड 36.35 ग्राम, एक्सप्रेस दिस मास इन मिलीग्राम, माइक्रोग्राम एंड किलोग्राम। इस प्रॉब्लम में हमें मास ऑफ कैलोरीमीटर बताया गया है जो कि है 36.35 ग्राम। हमें इस मास को मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, हमने मास ऑफ कैलोरीमीटर को रिप्रेजेंट करवाया है कैपिटल एम से, जिसकी वैल्यू है 36.35 ग्राम। मास इन मिलीग्राम को हमने रिप्रेजेंट करवाया है MMG से, और मास इन माइक्रोग्राम को हमने रिप्रेजेंट करवाया है M माइक्रोग्राम से, और मास इन किलोग्राम को हमने रिप्रेजेंट करवाया है MKG से। तो आइए अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं।
सबसे पहले हम मास इन मिलीग्राम मालूम करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो अब हम यहाँ भी जो है ग्राम से मिलीग्राम में जा रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लिहाजा मास इन मिलीग्राम इज इक्वल टू 36.35 मल्टीप्लाई बाई 1000, वी विल गेट 36350। लिहाजा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम 36350 को लिखें तो मास इन मिलीग्राम होगा 3.635 मल्टीप्लाई बाई 10^4 मिलीग्राम। इसी तरह मास इन माइक्रोग्राम अगर हम मालूम करें तो 1 ग्राम में 10^6 माइक्रोग्राम होते हैं। लिहाजा मास इन माइक्रोग्राम इज़ इक्वल टू 36.35 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10^6 से और हमारे पास आंसर आएगा 36350000। इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास मास इन माइक्रोग्राम आ जाएगा 3.635 मल्टीप्लाई 10^7 माइक्रोग्राम। फॉर मास इन किलोग्राम, अब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हैं, लिहाजा हम डिवाइड करवाएंगे। जैसा कि हमें पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। मास इन किलोग्राम इज़ इक्वल टू 36.35 डिवाइड बाई 1000 एंड फाइनली वी विल गेट 0.03635 किलोग्राम। प्रॉब्लम नंबर 8, अ स्टील रॉड हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.52 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट्स डायमीटर इन मिलीमीटर एंड मीटर। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्टील रॉड का डायमीटर बताया है 2.52 सेंटीमीटर, हमें इस डायमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और मीटर में। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, डायमीटर को हमने डी से रिप्रेजेंट करवाया है और इसकी वैल्यू है 2.52 सेंटीमीटर। डायमीटर एंड मिलीमीटर को हमने डीएमएम से रिप्रेजेंट करवाया है और डायमीटर एंड मीटर को हमने डीएम से रिप्रेजेंट करवाया है। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायमीटर एंड मिलीमीटर, जैसा कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के। यहाँ पर हम बड़े यूनिट यानी सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लिहाजा डायमीटर एंड मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 2.52 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड फाइनली वी विल गेट डायमीटर एंड मिलीमीटर विच इज़ 25.2 mm। इसी तरह डायमीटर एंड मीटर, अब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है और मीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है, लिहाजा अब यहाँ पर हम डिवाइड करवाएंगे। जैसा कि हमें पता है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो डायमीटर एंड मीटर इज़ इक्वल टू 2.52 डिवाइड बाई 100 एंड फाइनली वी विल गेट 0.0252 मीटर विच इज़ डायमीटर इन मीटर।